समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और इस मौके पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी से बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सिंह ने। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा की आज से शुरुआत होगी और हमारे साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं। अमिताभ जी, इस विजय रथ यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या हम माने कि 2011 में जिस तरह शुरुआत हुई थी उसी को टोटका मानते हुए यहाँ शुरुआत हो रही है? ये टोटका नहीं है, ये गंगा और जमुना का दुआवा है जो संस्कृति माँ गंगा ने दी है। इसीलिए हम लोग गंगा के तट से शुरू कर रहे हैं और जमुना जी के तट पे जाकर आज की यात्रा समाप्त कर रहे हैं। जहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं वहाँ बिजली का एक बहुत बड़ा प्लांट है जो अखिलेश यादव जी ने शुरू कराया था, जिसको सरकार 5 साल में पूरा भी नहीं कर पाई है। तो हमारा संदेश स्पष्ट है कि जो विकास हमने करा था उसको ये निभा तक नहीं पाए हैं। तो हम विकास के मुद्दे को लेकर, जो बढ़ती हुई महंगाई है, निजीकरण है, बेरोजगारी है, बिगड़ी कानून व्यवस्था है, इन पर लोगों को ध्यान आकर्षित करते हुए आज माँ गंगा के तट से यात्रा को शुरू कर रहे हैं। ये भी सही है कि 2011 में जब यात्रा यहीं शुरू हुई थी तो वो मेजॉरिटी तक पहुँची थी, हम 225 सीटें लेकर के आए थे। आज हमें उम्मीद है, 10 साल का समय बीत गया, जनता परेशान है, हम कम से कम 350 सीटें लेकर के इस बार सरकार में आएंगे। यानी जनता को आप ये बताएंगे कि जिन विकास कामों को आपने शुरुआत की थी आज भी उससे आगे काम नहीं बढ़ पाया है? ये जो हमारा विजन था उत्तर प्रदेश के विकास को लेके, उस विजन इन लोगों का है नहीं। इनका विजन केवल लड़ाने का है, धार्मिक आधार पे बंटवारा करने का है, विकास का इनका कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो जहाँ एक तरफ माँ गंगा और माँ जमुना की गोद से कर रहे हैं, वहीं नेवड़ी लेकनाइट जैसे पावर प्रोजेक्ट पर जा करके हम विकास की इबारत भी रखने का काम करेंगे। आपको लगता है कि आपका ये जो कदम है वो जनता तक वो संदेश पहुंचेगा कहीं ना कहीं? लेकिन ये बीजेपी जो विपक्ष है वो कहती है कि ये शक्ति प्रदर्शन का एक नमूना दिखा रहे हैं आप। नहीं, शक्ति तो वो लोग हमारी जानते हैं, जब जब अखिलेश यादव जी हुंकार भरते हैं तो उनको उनकी मांगे मानने को मजबूर होना पड़ता है। आज अखिलेश यादव जी सरकार में ना होते हुए इस तरह से लोग उनको ट्रीट करते हैं कि लगता है वही मुख्यमंत्री हैं, लोग उनसे उम्मीद करते हैं। इसलिए शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, समाजवादियों की ताकत को सब लोग जानते हैं। हम लोग आज जो निकले हैं जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर निकले हैं, इनका मुद्दा भले ही कुछ हो, ये हमारा मुद्दा विकास पर केंद्रित है, इसलिए हम लोग विकास के नाम पर आज यात्रा लेकर शुरुआत कर रहे हैं।